वतन में हमारी वो पुरानी बातें देखी, न पुरानी रातें देखी, न वो बरसात में पानी में भीगता हुआ बदन देखा, न वो समाधान हो जाते हैं, क्योंकि जब भी पासवर्ड ठीक चलता है डलता है, मोबाइल का लॉक खुल जाता है, जब भी तुम्हारी बात ठीक होती है व्यक्ति को चोट कर जाती है। उसी प्रकार मेरे पागल, जब भी तुम अपने आत्मा में उतरोगे, जब भी तुम अपनी जिंदगी में उतरोगे और सदा सदा के लिए जिस दिन तुम हनुमान जी के हो जाओगे, जैसे मेरी जिंदगी में खेल हुआ, जैसी हमारी जिंदगी में घटना घटी, तुम्हारी भी जिंदगी में चार चांद लग जाएंगे। हम तुम्हें तुम्हारे जैसा नहीं बनाना चाहते, हम तुम्हें अपने जैसा बनाना चाहते हैं। इसलिए तुमसे कहते हैं कि तुम कदम से कदम मिलाकर चलो। इसलिए हम तुमसे कहते हैं कि तुम 21 पे सीक्लियर मत आओ। अगर तुम 21 पे सीक्लियर आओगे तो तुम्हें आज पता लग रहा है कि बागेश्वर महाराज यहाँ बैठे हैं और बागेश्वर महाराज यहाँ जा रहे हैं और बागेश्वर महाराज ने ये पा लिया है, लेकिन तुमने उसके पीछे कितना संघर्ष हमने झेला है वो कभी नहीं देखा। न तुमने हमारी वो पुरानी बातें देखी, न पुरानी रातें देखी, न वो बरसात में पानी में भीगता हुआ बदन देखा, न वो भूख से तड़पता हुआ तन देखा, न तुमने दुनिया के सामने हाथ फैलाते हुए हमें देखा, न तुमने रातों में हनुमान चालीसा का पाठ करते देखा है, न तुमने गुरु की आज्ञा पर एक पैर पर खड़े होकर के अपनी पढ़ाई छोड़ करके गुरु की सेवा करते तुमने देखा है। तुमने आज देखा कि वो मुगदर लेता है, पर्चा बनाता है, काम हो जाता है और बड़े बड़े रईस उसकी चरणों में गिरे रहते हैं। अब मैं तुम्हें मेरे पागलों अपने जैसा बनाना चाहता हूँ। मैं तुम्हें पर्चा बनवाने वाला दरबारी नहीं बनाना चाहता हूँ। मैं तुमको अपनी जिंदगी से ये देना चाहता हूँ कि तुम्हारी समस्या का समाधान तुम खुद कर पाओ। लेकिन ये बातें तुम्हें समझ में बहुत देर से आएंगी, इसलिए आएंगी क्योंकि तुम्हारी मति मारी गई है और तुमको ऐसा भगवान चाहिए कि मुंह में नारियल डाले और वो हाथ में फोड़ के निकाल दे। तुमको ऐसा भगवान चाहिए कि वो तुम्हारे नमात से, तुम्हारे नाम से, तुम्हारे संकल्प से अनुष्ठान कर दे और तुम्हारी बेटी की शादी हो जाए और एकदम से तुम्हारे पास पैसा बढ़ जाए, एकदम से तुम बहुत बड़े पॉपुलर, बहुत प्रसिद्धि पा जाओ। मेरे पागलों, दुनिया के सबसे अमीर आदमी बिल गेट्स, और बिल गेट्स से पत्रकारों ने पूछा कि तुम रात और रात अमीर बन गए, इसका राज क्या है, इसका रहस्य क्या है, क्या कारण है कि तुम रात और रात अमीर बन गए? और बिल गेट्स ने टेबल पर हाथ ठोक करके यही जोर से कहा कि यस, मैं रात और रात अमीर बन गया हूं। पर ये किसी को खबर नहीं है वो रात कितनी लंबी थी। और मेरे पागलों, आज तुम सफलता पा जाओगे तो दुनिया तुम्हारे पीछे दौड़ने लगेगी, लेकिन याद रखना वो दुनिया कभी नहीं देखेगी तुमने कितनी जगह धक्के खाए हैं, तुमने कितनी जगह मुक्के खाए हैं। इसलिए मेरे पागलों, तुम हमारे पास आए हो तो हम तुम्हें व्यर्थ की बातों में नहीं फंसाना चाहते, और हम चाहते हैं कि इस भारत में तथाकथित लोगों ने आज तक सिर्फ भूत पकड़ा है, हम भारत के लोगों को भगवान पकड़ा करके जाएंगे। और सौ की सीधी बात यह है कि तुम पर्चा के चक्कर में मत आया करो। अगर तुम्हें आना ही है तो हनुमान जी की चर्चा के चक्कर में आया करो, और तुम इसलिए मत आया करो कि तुम्हारा काम हो जाएगा, तुम इसलिए आया करो कि तुम हनुमान जी के हो जाओगे। और तुम जिस दिन हनुमान जी के हो जाओगे
उसी दिन तुम्हारी जिंदगी की यात्रा की नई कहानी प्रारंभ हो जाएगी। और हम तो तुमसे आज भी कहते हैं कि आज अभी मौका मिले तो दोबारा तुम चढ़ जाना मंदिर, बालाजी के सामने खड़े हो जाना और कह देना बस आज से तुम हमारे हो गए और हम तुम्हारे हो गए। उसके बाद देखना तुम्हारी जिंदगी में जब जब संकट आएगा, बागेश्वर बालाजी की सेना संकट मोचन बनकर के तुम्हारे साथ खड़ी नजर आएगी। और मेरे पागलों, उसके बाद हम तुमसे ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पर सन्यासी बाबा की जो 46,000 सेना है, उस सेना के बल पर ये भी कह सकते हैं कि जब जब विपत्ति आए, सदा हमारी उंगली का इशारा तुम्हारी तरफ नहीं होता है, सदा हमारी उंगली का इशारा सिर्फ तुम्हारे अंदर बैठे हनुमान की तरफ होता है। हमारे पागलों, तुम्हें लग रहा होगा कि हम भारत में इसलिए हैं कि हम दुनिया को चमत्कार दिखाना चाहते हैं। ये बात तुम अपने दिमाग से निकाल देना कि हम तुम्हें चमत्कार दिखाने के लिए या भारत को चमत्कार दिखाने के लिए बातें करते हैं या दरबार लगाते हैं। हम तुम्हें पीढ़ी दर पीढ़ी जगाने के लिए दरबार लगाते हैं ताकि तुम्हें किसी भी धर्म गुरु के पीछे न जागना और भागना पड़े। और तुम्हें यह जानकर आश्चर्य लगेगा कि हम तुम्हें किसी भी धर्म गुरु के पीछे नहीं भगाना चाहते, हम तुम्हें खुद धर्म गुरु बनाना चाहते हैं। तुम्हें समस्याओं के समाधान के लिए हमारे पास भटकने ना पड़े, तुम्हारी समस्याओं का समाधान तुम स्वयं कर पाओ और तुम्हारा घर स्वयं बागेश्वर धाम बन जाए। लेकिन मेरे पागलों, ये बात बहुत कठिन है, ये रास्ता भी बहुत कठिन है। उलझने आए दिन चली आ रही, हमारी जिंदगी के जितने दिन बचे हैं, मेरे पागलों मैं तुमसे प्रार्थना करूंगा कि तुम दो कदम से कदम मिलाकर चलो। मैं तुम्हें बौद्धिक चेतना देना चाहता हूँ ताकि तुम्हारी जिंदगी का अंधकार मिट जाए और एक ज्ञान का उजाला हनुमान जी के रूप में तुम्हारी जिंदगी में होता रहे। और तुम हमारे पास आकर के पर्चा के नाम पर अपना समय बर्बाद मत किया करो, केवल पर्चा पाने के लिए, केवल महज चमत्कार देखने के लिए तुम टाइम मत बर्बाद किया करो। मेरे पागलो, तुम उस हनुमान के जीवन में उतर जाओ, उस हनुमान को पा जाओ, उस हनुमान जी में खो जाओ, उनकी मोहब्बत में इतना डूब जाओ, उन परमात्मा को इतना पकड़ लो, उन परमात्मा के सामने इतनी पुकार लगा दो कि वो परमात्मा यानी वो हनुमान यानी वो बागेश्वर धाम तुम्हारे लिए बाधित हो जाए और उसे प्रकट होना पड़े और तुम्हारी समस्याओं का समाधान करना पड़े। मेरे पागलो, ये बात कोई भी धर्म गुरु इसलिए भी नहीं बोलेगा कि प्रत्येक धर्मगुरु को जरूरत और डर रहता है कि कहीं उसके अनुयायी, कहीं उसके फॉलोअर्स, कहीं उसके मानने वाले शिष्य उसको छोड़कर ना भाग जाए। हमारा सिद्धांत बहुत उल्टा है, हम तुमसे प्रेम करने नहीं आए, हम तुम्हें जगाने आए हैं। आओ तो वेलकम, न आओ तो भीड़ कम। और हम तुम्हें यह भी बताने आए कि हम तुम्हें पर्चा देकर के चमत्कार दिखाकर बेफजूली का धक्का मुक्की नहीं करवाना चाहते हैं। और मन की बात बता देना भी तुम्हारे लिए कोई बड़ी बात होगी, हमारे लिए तो बहुत छोटा सा खेल है। और ये खेल इसलिए भी है कि जिसकी जिंदगी में हनुमान हो, जिसकी जिंदगी में बागेश्वर धाम हो, जिसकी जिंदगी में सन्यासी बाबा हो, उसे तो दुनिया का प्रत्येक बड़ा सा बड़ा नाटक भी खेल नजर आता है। हम अभी रात को चले आ रहे थे तो बहुत से अधिकारी वर्ग हमको फोन लगा करके दूरभाष पर बात करते हुए कह रहे थे कि क्या आपको पता है आपके पीछे विदेशी ताकतें सक्रिय हो गई, क्या आपको पता है विदेशी बहुत बड़े 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 मगरमच्छ तुमको खाना चाहते हैं। हमने कहा माय डियर ठटरी के भरे, ये तुम्हें तो पता होगा, ये बात हम मानते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए, वेरी वेरी थैंक यू वेरी मच। लेकिन माय डियर, मैं तुम्हें प्रार्थना कर दूं, मैं उन ताकतों से लड़ने के लिए ही बोलता हूं। हम ये दरबार उन ताकतों की जड़ हिलाने के लिए ही लगाते हैं ताकि भोले भाले हिंदुओं का धर्मांतरण न करवाया जाए और भोले भाले हिंदुओं के साथ पाखंड की दुकान न चले।
केवल ये डर हमें अन्य मजहबों से नहीं, तुम्हें तुम्हारे धर्म से भी डर है, तुम्हारे मजहब में रहने वाले दोगलों से भी डर है। इसलिए मेरे पागलों, मैं तुमसे प्रार्थना करता हूं, भारत के लोगों, आज तक तुमको तथाकथित लोगों ने केवल भूत पकड़ाए हैं। भूत का मतलब पास, बीता हुआ कल, बीती हुई बात है, तुम्हारी वही घिसी पिटी बात है, और तुम्हारी मजबूरी और तुम्हारी समस्या भी दो कौड़ी की है, और तुम्हारे पास समस्या भी इन्हीं गिनी चार होती। या तो तुम दरबारों में मांगने जाते हो तो मकान दुकान लुगाई और लड़का, तुम मांगते ही क्या हो, निरोगी काया हो जाए, नौकरी लग जाए, परियासी लुगाई मिल जाए, यह लुगाई सुधर जाए, पड़ोसी ठीक हो जाए, राजनीति में नेता बन जाओ या बहुत बड़े धनवान बन जाओ, इनके अलावा तुम मांगते ही क्या, इसके अलावा तुम्हारे पास कोई ऑप्शन भी नहीं होता है। मेरे पागलों, मांगना बुरी बात नहीं है, मांगना चाहिए, पर तुम ये सोचते हो कि कोई तुम्हारे मन की बात बता दे तुम उसे भगवान मान बैठते हो, और तुम इसे ईश्वर मान बैठते हो, और तुम उसके पीछे चल पड़ते हो अंधाधुन, और फिर वो तुम्हारे साथ शोषण करता है, और फिर तुम गरीब से उसे अमीर बना देते हो। और ये बात इसलिए हम बोल रहे हैं ताकि तुम जागो, और ताकि तुम जाग करके ऐसी जगहों से भागो। और मैं तुमसे प्रार्थना भी करता हूं कि तुम मेरे सामने से भी भागो, तुम्हें पकड़ना ही है। तो जिनके बल पर हम चमत्कार करते हैं, जिनके बल पर हम धर्म विरोधियों को ललकारते हैं, जिनके बल पर हम दूसरों की समस्याओं का निपटाने का दावा करते हैं, तुम भी उनके सदा सदा के लिए बागेश्वर बालाजी के हो जाओ। नंबर एक की बदमाशी तुम्हारे ऊपर छाई हुई है, इतनी मोटी बुद्धि हो गई है कि पड़ा की खाल से ज्यादा हो गई है, और तुम्हारी खाल मोटी बुद्धि की परत गैंडा हाथी से ज्यादा खतरनाक है। अब मेरे पागल, ये परत इसलिए है कि कोई तुम्हें झूठा भी आश्वासन दे दे तुम उस पर भरोसा कर लेते हो। याद रखना, कोई भी तुम्हारी समस्या का समाधान नहीं कर सकता सिवा तुम्हारे और सिवा हनुमान जी के। समाधान को अगर इंसान करने भी लगे तो वो भगवान ना हो जाए। इसलिए मेरे पागलों, तुम अपनी चेतना को जगाओ और तुम जागो। हम इसका मतलब ये नहीं कि तुम गुरुओं के चक्कर में ना पड़ो, एक गुरु को पकड़ो, एक स्थान को पकड़ो, और कभी मंदिर में तुम्हें जाने का मौका मिले, वैसे तो तुम आज दर्शन करने के हिसाब से आए हो, वैसे तो तुम आज पर्चा बनवाने के हिसाब से आए हो, वैसे तो तुम आज पेशी करने के हिसाब से बागेश्वर धाम आए हो, वैसे तो तुम आज देखने के हिसाब से बागेश्वर धाम आए हो, कभी खुला स्वतंत्रता में केवल हनुमान जी का हो जाने के लिए बागेश्वर धाम आना। कोई कामना मत लेकर चलना घर से, बिना सोच विचार के चले जाना बागेश्वर धाम, और जाकर के मंदिर चढ़ जाना, और जहां पर सन्यासी बाबा को साक्षात्कार हुआ वही सामने उसी जगह पर उसी स्थान पर उसी भूमि पर जाकर के तुम खड़ा हो जाना, और चिल्ला करके अपनी आंखों में आंसू भर करके अपने अतीत को याद करके कि तुम्हारा साथ किसी ने नहीं दिया, आज तक तुमको खींचा गया, आज तक जगह जगह तुमने सिर्फ माथे रगड़े, आज तक तुमने जगह जगह सिर्फ धक्के मुक्के और भभूतियां खाई, आज तक तुमने जगह जगह सिर्फ नियम उपाय और अनुष्ठान